अंबिकापुर से दूर तक चलने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। भगवान जी विद इन थ्री मिनट्स। सर मैं दो मिनट ही लूंगा। मैं चाहता हूं कि बेल बजने से पहले मैं बैठ जाऊं, क्योंकि अगर दूसरों को टोकता हूं तो मुझे भी ये एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी। तो माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में मैं दो तीन बातें लेके आना चाहता हूं जो पंजाब से रिलेटेड हैं। बठिंडा से, बरनाला से, संगरूर से, पटियाला से अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो डायरेक्ट रेल लिंक नहीं है। सिर्फ 20 किलोमीटर राजपुरा से सनेटा तक अगर 20 किलोमीटर का ट्रैक बन जाए तो पूरा मालवा क्षेत्र जो है वो चंडीगढ़ से सीधा रेल लिंक हो जाएगा। इससे आसानी भी होगी मुसाफिरों को और उनके भाड़े में भी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, तो इसलिए वो रेल लिंक को 20 किलोमीटर सिर्फ रेल लिंक है वो हो जाए। नंबर दो पे राजपुरा से बठिंडा जो ट्रैक है पटियाला संगरूर धूरी बरनाला होते हुए, इस पे 3 थर्मल प्लांट हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत सी गाड़ियां कोयला लेके जाती हैं, सिंगल ट्रैक है तो पैसेंजर ट्रेन्स को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर ये डबल ट्रैक हो जाए तो 3 थर्मल प्लांट को कोयला भी अच्छे तरीके से टाइम पे मिलेगा और पैसेंजर गाड़ियां भी टाइम पे चलेंगी। तीसरा मेरा जो पॉइंट है, सचखंड एक्सप्रेस है जो अमृतसर से नांदेड़ जाती है तख्त श्री हजूर साहब को, ढाई ढाई महीने की, 3-3 महीने की बुकिंग है उसकी। अगर और ट्रेन चला दी जाए, क्योंकि वो धार्मिक मामला है, बहुत से सिखों का ये तख्त है वहाँ पे सफ़र करने के लिए आसानी हो जाएगी। और तख्तों के लिए गाड़ी अगर चला दी जाए अकाल तख्त से आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब से तख्त श्री पटना साहब, पटना साहब से तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़, और वहाँ से तख्त श्री दमदमा साहब और वापस अकाल तख्त साहब, तो ये गाड़ी बहुत सफल रहेगी। और सुनाम जाखल से जो लुधियाना को जाती है रेलवे लाइन, उस पर 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक कोई पैसेंजर ट्रेन ही नहीं आती, तो उसको अगर उसको हमें सुनाम धूरी संगरूर लहरा गागा को बहुत सुविधा हो जाएगी। आखिरी बात है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो जाती है संगरूर के लिए लुधियाना जाती है यहाँ से नई दिल्ली से, उसकी एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर। सर बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं और शताब्दी की एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर है। अगर शताब्दी की एवरेज स्पीड जो है कम से कम 80-90 कर दी जाए तो हमें लगे कि शताब्दी है, वरना हमें लगता है ये पैसेंजर ट्रेन है। और आखिरी बात है, अमूल की बात की है दूध वाली ट्रेन की माननीय मंत्री साहब ने, अगर दूध लेना है तो वेरका से ले लीजिए, पंजाब जो है बहुत बड़ी दूध की प्रोडक्शन करता है। मेरी ये बातें अगर माननीय मंत्री साहब तक पहुंच जाएं। और आखिर में एक शेर बोल के मैं माननीय मंत्री साहब को ये शेर बोलूंगा कि रेल कहती है कि मैं भारतीय रेल हूं, पता नहीं मुझे मैं पास हूं या फेल हूं, जब हर कोई आजकल जातिवाद के बाढ़ में बह रहा है, हर कोई जातिवाद के बाढ़ में बह गया, सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट ही सेकुलर रह गया। रेलवे सेकुलर है कि जो नहीं देखती, वो नहीं देखती कि मुसलमान है कोई, जो सिख है जो हिंदू है, वो सभी को जोड़ती है। मुझे उम्मीद है रेल मंत्री साहब रेलवे को सेकुलर रखिए और भारत को इसी तरीके से जोड़ते रहिए। शाबाश शाबाश शाबाश।